गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक इसमें फैक्ट आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब तीन ऐसे कंटिन्यूस नंबर या तीन कोई भी ऐसे नंबर, ठीक है, तीन कोई भी ऐसे नंबर, जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूअस हो, तीन कोई भी ऐसे नंबर जिनके अंदर दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे कोई तीन नंबर, कोई भी तीन नंबर हो सकते हैं, मान लीजिए ए बी और सी, तो इसके अंदर क्या होगा कि किसी भी दो नंबर के स्क्वायर का जो सम होगा, दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ऐसे तीन नंबर क्या कहलाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड करने का तरीका क्या है? इसके लिए तीन मेथड है, तीन नंबर्स के लिए तीन मेथड हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, तीन फॉर्मूला लर्न करने हमें। फर्स्ट इज 2m, दूसरा है हमारे पास में एम स्क्वायर प्लस वन, और थर्ड नंबर हमारे पास में है एम स्क्वायर माइनस वन। इन तीन फॉर्मूला की हेल्प से हम तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड कर सकते हैं, जहां पर m की जगह कोई भी कांस्टेंट, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास में हो सकती है। जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, m की जगह हमने ले लिया जस्ट सपोज फोर। ओके, तो पहला ट्रिपलेट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? टू और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और m की जगह हमने लगाना है फोर, सो टू फोर जा एट। ठीक है, तो जो पहला ट्रिपलेट है वो इसमें आ गया एट। उसके बाद में सेकेंड ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एम स्क्वायर प्लस वन। एम क्या है हमारे पास में? एम की वैल्यू हमारे पास में फोर है, तो फोर का स्क्वायर प्लस वन। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है? 16 होता है, प्लस 1 इक्वल्स टू 17, तो सेकंड नंबर हमारे पास में आ गया 17। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर, हम थर्ड जो ट्रिपलेट है इसका वो फाइंड कर लेते हैं। थर्ड ट्रिपलेट कैसे फाइंड होगा? m स्क्वायर माइनस 1। m की जगह क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास में 4 है, तो 4 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में से 1 को माइनस किया तो हमें फाइंड होगा 15। ठीक है, तो तीन ट्रिपलेट्स हमारे पास में आए 8, 17 एंड 15। तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन से आ गए? 8, 17 और 15। इनमें दो नंबर्स का स्क्वायर का सम, दो नंबर्स का स्क्वायर का सम जो इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हाईएस्ट इसमें क्या है? 17 है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं बाकी जो दो बच गए 8 और 15, मतलब 8 और 15 का स्क्वायर का जो सम होगा वो 17 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर हमारे कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, इसी का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी m की वैल्यू चेंज करके, m की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास में आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में m की वैल्यू है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू है 3। m की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? 3। तो पहला ट्रिपलेट फाइंड करेंगे 2m, मतलब 2 इंटू m की जगह आ जाएगा यहाँ पर 3, 2 3 जा 6। ओके, फिर m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर, m की जगह किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होगा, सो 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 9, एंड 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो 10 आ गया हमारा सेकंड ट्रिपलेट। ऐसे ही हम थर्ड ट्रिपलेट भी फाइंड कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह हम किसका स्क्वायर करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में m की वैल्यू अभी 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास में जो तीन ट्रिपलेट आ गए वो क्या आ गए? 6, 10 और 8, क्या आ गए?
8 और 10। अब इसके अंदर ये जो दोनों नंबर है इन दोनों का स्क्वायर का सम, हाईएस्ट नंबर 10 है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम 10 के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो 6, 8 एंड 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को हमने फाइंड करने सीख लिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम इन तीन फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर मतलब m की वैल्यू, m की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो किसी भी नेचुरल नंबर के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो तो हम इन तीन फॉर्मूला से सॉल्व करना सीख गए। अब इनका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में अभी आया है 6, 8 और 10, तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का जो वेरिफिकेशन है वो हम यहाँ पर अभी करके देखेंगे, 6, 8 और 10 का। ठीक है, तो हमारे पास में तीन नंबर है 6, 8 और 10, और अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 10 के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है, 36 होता है, 8 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100। जब 36 और 64 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 100, और इस साइड में ऑलरेडी 100 है तो हमारा LHS इक्वल टू RHS। LHS और RHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड के जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई करके प्रूफ कर लिया कि 6, 8 और 10 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अगर इन एनी केस अगर ये LHS और RHS की वैल्यू सेम नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऊपर तीन वैल्यूज हैं वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। ठीक है, तो उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं होते हैं। अब हमारे पास में तीन नंबर्स हैं 8, 9 और 10, ये तीन नंबर्स है और हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास में इस टाइप का भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि आप जो ये है तीन नंबर चेक करके बताइए कि क्या ये तीनों नंबर हमारे पास में डायरेक्टली, इस टाइप का क्वेश्चन पुट हो सकता है 8, 9 और 10, जैसे तीन डिजिट्स दे दी हमें, तीन नंबर्स दे दिए और ये पूछ लिया कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है क्या होता है कि दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर दो नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है तो यस ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, अदरवाइज नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल किसके होना चाहिए, 10 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 8 का स्क्वायर हमारे पास में होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब जब हमने 64 और 81 को ऐड करके देखा तो हमारे पास में क्या आया, 4 एंड 1 5, 6 और 8 14, हमारे पास में आया 145, और इधर आया हमारे पास में 100। तो ये जो दोनों वैल्यू है मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि 8, 9 एंड 10 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये 8, 9, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है,